नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अस्मिता। इस बुलेटिन में आज बात होगी किसानों के आंदोलन की। बताएंगे कि चुनाव आयोग ने कैसे किया बीजेपी का दाव फेल। जानेंगे कि ममता के दाव से बंगाल में कैसे बढ़ी बीजेपी की मुश्किलें। बीजेपी नेताओं से क्यों परेशान है पीएम मोदी। और बुलेटिन के आखिर में बात इंग्लैंड पर मिली भारत की जीत की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी ने बनाया मास्टर प्लान। एलपीजी सिलेंडर के साथ कल प्रदर्शन करेगी टीएमसी। 27 मार्च को पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए होगा मतदान। प्रधानमंत्री कोलकाता में रविवार को रैली को संबोधित करेंगे। मिथुन चक्रवर्ती की उपस्थिति पर संशय बरकरार। ब्रिगेड परेड मैदान में होगी बीजेपी की रैली। विधानसभा चुनाव से पहले असम में राजनीतिक सरगर्मियां तेज। कांग्रेस नेताओं की नाराजगी के कारण कैंडिडेट की लिस्ट आने में हो रही देरी। सीट शेयरिंग से भी बढ़ी परेशानी। इकोनॉमी में रिकवरी के संकेत। फरवरी में 6.6% रहा बैंक क्रेडिट ग्रोथ रेट। पिछले साल ये 6.4% था। 15 मार्च से हाइब्रिड तरीके से मामलों की फिजिकल सुनवाई शुरू करेगा सुप्रीम कोर्ट। अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती है सुनवाई। शनिवार को सर्वोच्च अदालत की तरफ से इसको लेकर जारी की गई एसओपी। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। किसानों के आंदोलन को बीते दिन 100 दिन पूरे हो गए हैं, जिसके चलते किसानों ने आज सरकार पर दबाव बनाने के लिए चक्का जाम किया था। इसके साथ ही किसान देश के अलग अलग हिस्सों में महापंचायतें भी कर रहे हैं। तो आखिर आज किसानों के चक्का जाम का कितना रहा असर, देखिए ये रिपोर्ट। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इसी के साथ जारी है इसको लेकर सियासत। दूसरी ओर अब इस आंदोलन की चर्चा देश से लेकर विदेश तक हो रही है। किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे होने पर आज किसान संगठनों ने चक्का जाम का कार्यक्रम किया था। किसानों ने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे की 5 घंटे की नाकाबंदी की थी। आज हुए चक्का जाम में शामिल हुए किसानों ने काली पट्टी बांध कर विरोध दर्ज करवाया। इसके अलावा किसानों ने डासना, दुहाई, बागपत, दादरी, ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर भी यातायात रोक दिया। किसानों ने साफ किया है कि 15 मार्च को सभी किसान संगठनों की बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसान की लड़ाई के 100 दिन, समाधान तक आखिरी सांस तक लड़ेंगे, जीतेंगे। वहीं राहुल गांधी ने भी किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि देश के सीमा पर जान बिछाते हैं जिनके बेटे, उनके लिए कीले बिछाई है दिल्ली की सीमा पर। किसानों की मांग सरकार मानती नहीं दिख रही है, जिस कारण से किसानों का आंदोलन लंबा खिंचता जा रहा है। लेकिन विपक्ष की मांग जरूर चुनाव आयोग ने स्वीकार ली है। चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है, वहां किसी भी सरकारी योजना में पीएम मोदी के फोटो का इस्तेमाल ना किया जाए। तो क्यों बीजेपी पर सख्त हुआ चुनाव आयोग, देखिए रिपोर्ट। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी AIADMK ने बीजेपी के साथ सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। तो वहीं एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके और कांग्रेस के बीच सीटों के तालमेल को लेकर बात फंस गई है। एमके स्टालिन ने कांग्रेस को 25 सीटों का ऑफर दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस की राज्य इकाई ने अपनी नाराजगी जताई है। डीएमके के व्यवहार से कांग्रेस खुद को अपमानित और आहत महसूस कर रही है। बताया जाता है कि डीएमके और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर हुई पहले दौर की मीटिंग के बाद प्रदेश कांग्रेस चीफ KS अलागिरी ने साफ कह दिया है कि डीएमके ने सीटों को लेकर जो प्रस्ताव दिया है वो बेहद अपमानजनक है। हमें राज्य में सम्मानजनक सीट मिलना चाहिए। कांग्रेस की ओर से 45 सीटों पर दावा किया गया था। साथ ही ये भी साफ कर दिया गया था कि 30 से कम सीटों पर पार्टी गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेगी। दूसरी ओर डीएमके की ओर से बिहार चुनाव का उदाहरण देते हुए कांग्रेस को कम सीटें दी जा रही हैं। 2016 के विधानसभा चुनावों में भी डीएमके ने कांग्रेस को 41 सीटें दी थी, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 8 सीटें ही जीत पाई थी। डीएमके के प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस के अंदर भी नाराजगी देखी जा रही है। पार्टी का एक गुट सम्मानजनक समझौता न होने की सूरत में अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, लेकिन कांग्रेस की तैयारी ऐसी नहीं है कि वो राज्य की सभी 234 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सके। पार्टी शुरुआत से ही डीएमके के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। डीएमके के साथ कांग्रेस की सीट शेयरिंग का मामला उलझता देख कमल हासन की ओर से भी कांग्रेस से गठबंधन करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। वैसे न तो कमल हासन और न ही कांग्रेस की ओर से इसे लेकर खुलकर कुछ कहा जा रहा है। अब सभी की निगाहें कांग्रेस और डीएमके के नेताओं के बीच होने वाली अगले दौर की बातचीत पर टिकी हैं।
चुनाव आयोग ने बीजेपी के लिए जहां परेशानी खड़ी कर दी है, तो वहीं मुश्किलें कांग्रेस की भी बढ़ती दिख रही है। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के बीच सीटों के बंटवारे में पेच फंस गया है। कांग्रेस का दावा है कि यदि उसे सम्मानजनक सीटें नहीं दी गई तो वो गठबंधन से अलग भी हो सकती है। दूसरी ओर डीएमके कांग्रेस के दबाव में आती नहीं दिख रही है, तो क्या रणनीति अपना सकती है कांग्रेस, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसे लेकर बंगाल में सियासी पार्टियों में अदावत भी बढ़ती जा रही है। एक तरफ राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी है, तो दूसरी तरफ बंगाल में सत्ता पाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं लगभग 6 दशक तक बंगाल पर शासन करने वाले कांग्रेस वाम दलों का गठबंधन राज्य में अपनी खोई जमीन फिर से पाने की कोशिश में जुटी है। सभी लोकल मुद्दों के बीच सियासी दलों की नजरें ऐसे बड़े समुदायों पर भी है जो चुनावी समीकरण को बदलने में बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसा ही एक समुदाय है जिसे बंगाल के लोग मतुआ समुदाय कहते हैं, जिसे सभी दल अपनी ओर करने की जुगत भिड़ा रहे हैं। उत्तरी बंगाल में लगभग 70 विधानसभा सीटों पर इस समुदाय का असर है। यही वजह है कि टीएमसी और बीजेपी दोनों ही पार्टियां इस समुदाय को साधने में जुटी हैं। इस समुदाय के लिए इस समय उनकी नागरिकता सबसे बड़ा मुद्दा है। लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने इस समुदाय से वादा किया था कि उनके लिए अलग से नागरिकता का प्रावधान किया जाएगा, जिसे लेकर बीजेपी को उस चुनाव में जबरदस्त फायदा मिला था और बीजेपी ने पहली बार बंगाल में 18 लोकसभा की सीट जीती थी। वहीं ममता बनर्जी भी इस समुदाय के करीब रही हैं और 2011 से 2016 में राज्य में उनकी सरकार बनाने में इस समुदाय का बड़ा योगदान था। आपको बता दें कि देश के विभाजन के बाद से मतुआ समुदाय के एक बड़े हिस्से को नागरिकता की समस्या से जूझना पड़ रहा है। उनको वोट का अधिकार तो मिल गया, लेकिन नागरिकता का मुद्दा अभी बाकी है। देश के विभाजन के बाद इस समुदाय के कई लोग भारत आ गए थे, बाद में भी पूर्वी पाकिस्तान से लोग आते रहे। इस समुदाय का प्रभाव उत्तर बंगाल में सबसे ज्यादा है। लगभग 3 करोड़ लोग इस समुदाय से जुड़े हैं या उसके प्रभाव में आते हैं। ऐसे में विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए ये एक वोट बैंक रहा है। इस समुदाय के प्रमुख ठाकुर परिवार की प्रमुख वीड़ापाड़ी देवी यानी बोरा माँ के मतुआ समुदाय पर काफी प्रभाव है। बाद में भाजपा ने इसी परिवार के शांतनु ठाकुर को लोकसभा का टिकट दिया और वो जीते। दूसरी तरफ बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बीजेपी के नागरिकता कानून और इससे जुड़े और 2 कानूनों को लेकर बीजेपी पर लगातार निशाना साधती रही हैं। मतुआ समुदाय को ये बताने का प्रयास करती रही हैं कि अगर ये कानून आता है और लागू होता है तो उन लोगों को बांग्लादेश वापस जाना होगा। हालांकि ममता बनर्जी भी भाजपा के नागरिकता के मुद्दे की काट के लिए मतुआ लोगों को जमीन पर अधिकार देने का अभियान चला रही हैं, जिसे लेकर बीजेपी की बंगाल में मुश्किलें बढ़ गई है। 1971 में बांग्लादेश से भारत में शरणार्थी बनकर आया था मतुआ समुदाय। 1971 में मतुआ समाज के लोगों की संख्या राज्य की कुल आबादी की 11% थी, जो 2011 में ये बढ़कर 17% तक हो गई। मतुआ समाज में 1.5 करोड़ की आबादी नामशूद्र समाज की है। नामशूद्र के अलावा दूसरे दलित वर्ग भी मतुआ संप्रदाय से जुड़े हैं। एक अनुमान के मुताबिक बंगाल में मतुआ समुदाय की कुल आबादी 3 करोड़ के आसपास है। 65 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर इस समुदाय का सीधा असर है। ममता बनर्जी ने मतुआ समुदाय के लिए 10 करोड़ रुपए के एक विकास बोर्ड की घोषणा की है। इसके अलावा 5-5 करोड़ के अलग विकास बोर्ड बोरी और बागड़ी दलित जातियों के लिए भी बनाएगी ममता सरकार। डीएमके के प्रस्ताव ने कांग्रेस की परेशानी बढ़ा दी है, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि मामला सुलझ जाएगा। अब इंतजार है गठबंधन की दूसरी बैठक का। वैसे उलझन बीजेपी की भी बढ़ी हुई है। बीजेपी की चिंता उसके नेताओं को लेकर है, जो चुनाव से पहले ही अपने बयानों से पार्टी के लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं। और इस बार भी ये डर पीएम मोदी को सताने लगा है, इसलिए उन्होंने अभी से नेताओं को हिदायत देनी शुरू कर दी है। बीजेपी में बड़बोले नेताओं की कोई कमी नहीं है। नेता बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो दिल्ली से लेकर कई राज्यों में बवाल को बढ़ा देते हैं। नेताओं की यही कड़वी जुबान करती है पीएम मोदी को परेशान। इसीलिए पीएम मोदी ने बिगड़े बोल वाले नेताओं को हिदायत दे दी है। दरअसल चुनाव को लेकर आयोजित हुई बीजेपी की बैठक में पीएम मोदी ने ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया कि चुनाव प्रचार सभ्य तरीके से होना चाहिए और राज्य में जो नैरेटिव बीजेपी सेट की है उसे नहीं बिगाड़ा जाए। बीजेपी के एक नेता ने बताया कि प्रधानमंत्री ने हमें सत्तारूढ़ टीएमसी और उसके नेताओं से मुकाबला करने के लिए नकारात्मकता में लिप्त नहीं होने के लिए कहा। उन्होंने सबसे कहा कि बीजेपी का चुनाव प्रचार सभ्य तरीके का होना चाहिए। बीजेपी के एक पदाधिकारी ने कहा कि पार्टी ने केवल असम की गद्दी को बरकरार रखने का लक्ष्य रखा है, बल्कि पिछले चुनाव की तुलना में और अधिक सीटें जीतने का भी लक्ष्य रखा है।
पीएम मोदी की नेताओं को ये हिदायत उनके डर को साफ बयां करती है। दरअसल दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान के चुनाव में बीजेपी के नेताओं ने जमकर बदजुबानी की थी। कोई बजरंगबली को बीच में लाया था तो कोई पड़ोसी मुल्क को, यहाँ तक कि किसी ने राहुल गांधी की निजी जिंदगी को लेकर ही बयान दे डाला था। बीजेपी के बड़बोले नेताओं में सबसे आगे यूपी के सीएम योगी, संजीव बालियान जैसे कई नेता रहते हैं। इनकी बदजुबानी की कीमत बीजेपी को चुनाव में उठानी पड़ी थी। इन सभी राज्यों में पार्टी को हार को मुंह देखना पड़ा था। यही वजह है कि पीएम मोदी ने चुनावी प्रचार की शुरुआत में ही नेताओं को आंख दिखा दी है। अब देखना होगा कि नेता उनके आदेश का कितना पालन करते हैं। बीजेपी जहां अपने ही नेताओं से परेशान है तो वहीं कांग्रेस भी अपने ही नेताओं के तल्ख तेवर को झेल रही है। ये वही नेता है जिन्हें जीत तेज के नाम से जाना जाता है और इन्होंने कांग्रेस आलाकमान को एक चिट्ठी लिखी थी, लेकिन अब इन नेताओं को पार्टी में समर्थन मिलता नहीं दिखा। तो अब ये नेता वापस घर की ओर लौट आए हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं। तो क्या हुआ है ऐसा, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पिछले कई दिनों से कांग्रेस में 23 नेता बगावती रुख अपनाए हुए थे। इन नेताओं ने सबसे पहले पार्टी आलाकमान को चिट्ठी लिखकर पार्टी में कांग्रेस के पूर्णकालिक अध्यक्ष और संगठन के चुनाव कराने की मांग उठाई थी। उसके बाद सभी ने प्रधानमंत्री को वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए भी सुना। फिर आजाद का पार्टी के मौजूदा हालातों को मंजूर नहीं होने का हवाला देना साफ ये दिखा रहा था कि इन नेताओं को कांग्रेस पार्टी रास नहीं आ रही है। लेकिन पिछले दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में G23 नाम का कोई ग्रुप नहीं है और पूरी पार्टी सोनिया गांधी के नेतृत्व में एकजुट है। उसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने जम्मू में चल रहे G23 सम्मेलन में शामिल नेताओं को निशाने पर लेते हुए इन नेताओं से सवाल किए कि जिस सीढ़ी पर चढ़कर वे जिंदगी के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचे हैं, क्या उसे गिराना सही है। इन सवालों और आलोचनाओं में घिरने के बाद अब G23 में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे गुलाम नबी आजाद के सुर भी धीमे पड़ गए हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जीत ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मुझे जहां भी पार्टी या व्यक्ति द्वारा आमंत्रित किया जाएगा वहां प्रचार करने जाऊंगा। आपको बता दें कि G23 के नेताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद से इन नेताओं ने पार्टी के खिलाफ कई गतिविधियां की, लेकिन पार्टी आलाकमान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली, जिसके बाद आखिरकार आजाद को भी अपने सुर धीमे करते हुए पार्टी में बने रहने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आया। अब देखना होगा कि ये धीमे पड़े सुर आने वाले दिनों में होने वाले चुनावों में पार्टी के कितने काम आते हैं। गुलाम नबी आजाद जहां अब नरम होते दिख रहे हैं तो वहीं बिहार में भी मुकेश सहनी के तेवर भी नरम होते दिख रहे हैं। दरअसल विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी इन दिनों बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिसके चलते नीतीश कुमार की सदन में जमकर किरकिरी हुई है, जिसके बाद अब नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को जमकर फटकार लगाई है। देखिए ये रिपोर्ट। शुक्रवार को बिहार विधानसभा के दोनों सदनों में जमकर हंगामा मचा हुआ था, जिसके बाद से सीएम नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ गई और वो विपक्ष के निशाने पर थे। और इस हंगामे की वजह थे पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री मुकेश सहनी। दरअसल बीते दिनों वैशाली जिले के हाजीपुर में एक सरकारी कार्यक्रम में मुकेश सहनी ने अपनी जगह अपने भाई संतोष कुमार सहनी को भेज दिया, जहां मंत्री मुकेश सहनी के भाई इस कार्यक्रम में बाकायदा मंत्री की भूमिका में नजर आए, जिसके बाद ये मुद्दा बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में हंगामे की वजह बन गया। दोनों सदनों में विपक्ष ने नीतीश कुमार को घेरते हुए सवाल उठाना शुरू कर दिया, साथ ही मुकेश सहनी को बर्खास्त करने की मांग भी कर दी। हालांकि इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार ने विधानसभा में हैरानी जताते हुए कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो खुद इस पूरे मामले को देखेंगे। और अब नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को तलब किया है और उन्हें जमकर फटकार लगाई है। नीतीश कुमार की फटकार के बाद मुकेश सहनी के तेवर अब नरम पड़ गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी कार्यक्रम में अपने भाई को भेजने के लिए माफी भी मांगी है। हालांकि मुकेश सहनी ने माफी तो मांग ली, लेकिन इस पूरे मामले के बाद से राज्य में सीएम नीतीश कुमार के ऊपर सवालों की बौछार भी शुरू हो गई है। ऐसे में नीतीश कुमार की अब एक बार फिर परेशानी बढ़ गई है। अब आखिर आने वाले समय में देखना ये होगा कि अपने मंत्रियों पर नीतीश कुमार कैसे लगाम लगाते हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात भारत क्रिकेट टीम की बड़ी सफलता की। ICC की टेस्ट चैंपियनशिप में भारत फाइनल में पहुंच गया है। आज भारत ने इंग्लैंड को अहमदाबाद में खेले गए टेस्ट सीरीज के चौथे मैच में एक पारी और 25 रनों से हरा दिया। ICC की टेस्ट चैंपियनशिप में भारत पहले नंबर पर रहा है और अब 18 जून को इंग्लैंड में वो न्यूजीलैंड से फाइनल मुकाबला खेलेगा। तो आज टेस्ट मैच के तीसरे दिन क्या रहा खास, देखिए ये रिपोर्ट।
भारत ने इंग्लैंड को अहमदाबाद टेस्ट में एक पारी और 25 रनों से जीत लिया है। इसके साथ ही भारतीय टीम आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है। फाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। ये मैच इंग्लैंड के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। आज खेल के तीसरे दिन इंग्लैंड की दूसरी पारी 135 रन बनाकर सिमट गई। इंग्लैंड की ओर से दूसरी पारी में लॉरेंस ने सबसे ज्यादा 50 रन बनाए, जबकि जो रूट 30 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड की दूसरी पारी में सिर्फ 4 बल्लेबाज ही दोहरे अंक में पहुंच सके। भारत के लिए अक्षर पटेल और आर अश्विन ने 5-5 विकेट लिए। इससे पहले आज सुबह भारत ने कल के स्कोर 7 विकेट पर 294 रनों से आगे खेलना शुरू किया। शुरुआत में ही वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल ने इंग्लैंड के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाया और तेजी से रन जोड़े। दोनों के बीच 8वें विकेट के लिए 106 रनों की साझेदारी हुई। अक्षर पटेल 43 रन बनाकर रन आउट हो गए। भारत का 8वां विकेट 365 के स्कोर पर गिरा और इसी स्कोर पर ईशांत शर्मा और मोहम्मद सिराज भी आउट हो गए। दोनों खाता भी नहीं खोल पाए। वॉशिंगटन सुंदर 96 रन बनाकर नॉट आउट रहे। भारत की पहली पारी 365 रनों पर आउट हुई और पहली पारी के आधार पर भारत को इंग्लैंड पर 160 रनों की लीड मिली थी, लेकिन इंग्लैंड दूसरी पारी में सिर्फ 135 रन पर ही आउट हो गई। इंग्लैंड को शुरुआती झटके आर अश्विन ने दिए। अश्विन ने सबसे पहले जैक क्राउली को 5 के स्कोर पर रहाणे के हाथों कैच कराया। अगली ही गेंद पर जॉनी वायस्टो को 0 पर आउट करके अश्विन ने इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट पर 10 रन कर दिया। डोमिनिक सिबली को अक्षर पटेल ने 3 के स्कोर पर आउट किया। बेन स्टॉक्स 2 रन बनाकर अक्षर का शिकार बने। ओली पोप भी 2 रन बनाकर अक्षर का शिकार बन गए। टीम के स्कोर में 1 रन और जुड़ा था कि आर अश्विन ने जो रूट को आउट कर दिया। इंग्लैंड का 6वां विकेट 66 के स्कोर पर गिरा। रूट ने 30 रन बनाए। टी ब्रेक के बाद अक्षर पटेल ने पहले बेन फोक्स को 13 और डॉम बेस 2 को आउट करके इंग्लैंड का स्कोर 8 विकेट पर 111 रन कर दिया। बाद में जैक लीच 2 और लॉरेंस 50 को आर अश्विन ने आउट करके भारत को एक पारी और 25 रनों से जीत दिला दी। इसके साथ ही भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज 3-1 से जीत ली। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।